गुजरात के अहमदाबाद में जसप्रीत बुमराह की एक अनोखी कहानी है। ऐसा कहा जाता है एक आईपीएल ऑर्गेनाइजर ट्रैफिक से बचने के लिए ट्रैफिक वाली रोड स्किप करके कोई गली वाला रास्ता पकड़ लेता है और तभी उनकी नज़र एक गेंदबाज पर पड़ती है जो गली में खेल रहा है, जिसके हाथों से बॉल लाइट की स्पीड से गुजर रहा है। तभी उस दुबले पतले लड़के को आईपीएल ऑर्गेनाइजर अपना एक कार्ड थमा देता है। ठीक दो दिन बाद ये लड़का यानी बुमराह जी मुंबई इंडियंस के साथ खेलने के लिए मुंबई पहुंच चुके होते हैं। आईपीएल के पहले ही मैच में जसप्रीत बुमराह ने विश्व के सबसे बेस्ट बैट्समैन यानी विराट कोहली को आउट कर 3 विकेट्स हासिल किए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सिलेक्शन होने के बाद 3 साल से कम टाइम स्पैन में जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर बन गए। हर पिच में हर टीम के साथ बॉलिंग करने की उनको एक महारत हासिल हुई है। ये सब इतने कम समय में हुआ है कि आज भी बुमराह जी यानी जसप्रीत बुमराह हम लोगों को बिल्कुल एक नए बॉलर लगते हैं इंडिया के। खैर, इनसे जितने लेसन लिए जाए उतने ही कम है। आज जसप्रीत बुमराह यानी दुनिया के बेस्ट बॉलर, इंडियन क्रिकेट टीम के मेन एसेट, इनके जीवन पर आधारित इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। भगवद गीता में कहा गया है चैप्टर नंबर 2 में 56वां श्लोक, दुखेस्व अनुद विघ्न मनहा सुखेसु विगता स्प्रहा वीता रागा भय कुरोधहा स्थितादिर मुनिर उच्चते। इसका मतलब है जो 3 गुना दुखों के बावजूद भी परेशान नहीं होता है, खुशी होने के बाद भी निराश भी नहीं होता है, ज्यादा खुश भी नहीं होता है, और जो असिक्त भय और क्रोध से मुक्त है उसे स्थिर मन का ऋषि कहा जाता है। वेलकम बैक लीडर्स, मैं अविनाश भास्कर चाटे, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर। आज विषय बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर मैं आज बात करूंगा, तो वीडियो बेस्ट होना ही है। 6 दिसंबर 1993 में जसप्रीत बुमराह का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में एक पंजाबी फैमिली में हुआ। उनके पिता जसप्रीत सिंह एक बिजनेसमैन थे और माँ दलजीत कौर एक स्कूल टीचर थे, प्रिंसिपल थे स्कूल के। जसप्रीत जब 7 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, तभी से उनकी माँ पर उनके फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। कोई भी भारत की पंजाबी कम्युनिटी में आप देख लीजिए, वहाँ पर एक ट्रेडिशन है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कनाडा या अमेरिका में सेटल करना चाहता था। ठीक उसी तरह से जसप्रीत की माँ भी अपने बेटे को यानी जसप्रीत को कनाडा भेजना चाहती थी, लेकिन जसप्रीत का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था, उनका मन हमेशा खेल में ज़्यादा लगता था। वो अक्सर क्रिकेटर बनना चाहते थे, हमेशा क्रिकेट खेलने में ही व्यस्त रहते थे। बचपन से ही क्रिकेट खेल खेल के एक चीज़ ने उनके मन में घर बना लिया था, कोई भी बैट्समैन को अगर आउट करना है तो यॉर्कर गेंद ही सही है। इसीलिए बचपन से ही वो यॉर्कर की प्रैक्टिस करते रहे, हमेशा यॉर्कर की प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन उनके साथ एक बड़ी समस्या थी, उनकी माँ ज़्यादातर उन्हें बाहर खेलने के लिए नहीं भेजा करती थी, तो वो अपने घर में ही हॉल में बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे। हॉल काफ़ी बड़ा था तो बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे, बॉलिंग करने से दीवार पर बॉल पटकते थे, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी तो माँ शोर करती थी। इसी के कारण उन्होंने एक उसको ऑप्शन निकाला, प्रैक्टिस करते थे दो दीवार, एक फर्श और दीवार के बीच में जो गैप होता है उस पर बॉलिंग करते थे, और शायद इसी की वजह से उनकी यॉर्कर किंग बनने की जो सफ़र है मैं कहूँगा यहाँ से शुरू हुआ होगा। असल में उनका क्रिकेटिंग करियर का सफ़र शुरू होता है जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ने बुमराह को बॉलिंग करते हुए देखा था और उन्होंने अपनी टीम में उनको जल्दी बुला लिया, टीम में स्थान दे दिया, और अगले ही दिन उनका गुजरात अंडर 19 कैंप में सिलेक्शन हुआ। इस समय के बाद बुमराह कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, खराब चल रहा था और सिलेक्टर्स उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। जब रणजी में उनके सिलेक्शन की बारी आई थी तो कहा जाता है बुमराह सबसे आखिरी पसंद थे, वो भी जो पहले पसंदीदा बॉलर थे वो चोटिल हुए, दूसरे पसंदीदा बॉलर थे वो भी इंज्योर हुए, और उसके कारण बुमराह का सिलेक्शन होता है रणजी के लिए। अब 20 मैच भी उन्होंने खेले नहीं थे अंडर 19 टीम के, तो उनका सिलेक्शन सीनियर टीम में गुजरात के हो गया। जब दूसरे मैच में वो एक के बाद यॉर्कर डाल रहे थे, तभी भारत के पूर्व कोच और मुंबई इंडियंस के भी कोच जॉन राइट की नज़र बुमराह पर पड़ी। राइट कहते हैं कि कुछ रेयर प्लेयर्स ऐसे होते हैं उनको देखते ही लगता है कि बंदे में दम है, लगता है ये बैट्समैन या बॉलर बहुत आगे जाएगा। ठीक उसी तरह से राइट ने जब बुमराह को देखा तो कुछ इसी तरह से उनको
फीलिंग आई कि कुछ खास है इसमें, और ये बात बुमराह के दूसरे कोच और साथी भी इसी तरह से बताते हैं। बुमराह कभी कैजुअल बॉलिंग नहीं करते हैं, वो चाहे वो नेट्स हो, कोई भी सिंपल कैजुअल मैच भी हो या इंटरनेशनल गेम हो, उनका एनर्जी लेवल, डेडिकेशन और फोकस हमेशा पीक पर रहता है, पूरे डेडिकेशन के साथ बॉलिंग करते हैं। जसप्रीत की माँ कहती है, जसप्रीत बचपन से ही खेलना चाहते थे लेकिन हम लोगों ने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही जसप्रीत बड़ा होता गया उसका खेल जो है वो पैशन में कन्वर्ट हो गया, और जो पैशन है वो अपने लाइफ में बदल गया, क्रिकेट जसप्रीत का लाइफ हो गया। जसप्रीत को साइकिल पर ग्राउंड तक पहुंचने के लिए लगभग 30 मिनट लगते हैं। उनकी माँ कहती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए अगर उनका साइकिल भी पंक्चर हो जाता था तब भी वो अपना कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते थे, वो पैदल ग्राउंड तक पहुंचते थे लेकिन वो कभी अपना क्रिकेट नहीं छोड़े। शायद यही अंतर होता है दोस्तों लीडर्स और फॉलोअर्स में। लीडर्स हमेशा कन्वर्ट करते हैं एडवर्सिटी को एडवांटेज में, और जो फॉलोअर्स होते हैं या लूजर्स होते हैं वो हमेशा एडवर्सिटी को एक निराशा के तौर पर देखते हैं, एक नेगेटिव परिस्थिति के तौर पर देखते हैं और परिस्थिति के ऊपर ब्लेम करते। 16 साल की उम्र में जसप्रीत ने अपनी माँ को समझाया वो फुल टाइम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उनकी माँ कहती है, ये सुन के मुझे काफ़ी डर लगा क्योंकि इंडिया में हर दूसरा लड़का क्रिकेटर होना चाहता है, अब इस भीड़ में क्या जसप्रीत कभी देश के लिए खेल पाएगा? उनकी माँ कहती है, मैं काफ़ी डर गई है उनका डिसीजन सुन के। लेकिन माँ कहती है कि जसप्रीत के पास दो चीज़ें थी जो आज उनको यहाँ तक लेके आई है। वो बताती है दो चीज़ें, शायद इस वीडियो में हम ये लेसन ले सकते हैं। पहला, संघर्ष करने का जिगर, हमेशा संघर्ष करते हैं कोई भी परिस्थिति हो, संघर्ष करने का जिगर। और दूसरा, मन में पूरा विश्वास, पूरा विश्वास होना अपने कैपेबिलिटी के ऊपर, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, और ये दो चीज़ें जसप्रीत में थी। कितनी भी कठिन परिस्थिति में संघर्ष करने की भावना होना अपने आप में एक बड़ी मिसाल है दोस्तों। हम लोग अक्सर देखते हैं कैसे लोग संघर्ष में हार मान जाते हैं, कठिन परिस्थिति में हार मान जाते हैं, बाहरी परिस्थिति को ब्लेम कर देते हैं, और यहाँ जसप्रीत के पास संघर्ष करने की ताकत इतनी ज़्यादा थी और मन में एक स्ट्रांग विश्वास था कि कोई भी परिस्थिति में, कितनी भी कठिन परिस्थिति में, मैं भारत के लिए खेलूँगा। एक बार जसप्रीत बुमराह को जॉन राइट पूछते हैं, बचपन में बॉलिंग कहाँ से सीखी आपने? जसप्रीत बुमराह कहते हैं, मैंने बॉलिंग टीवी से सीखी है। कितना डेडिकेशन है दोस्तों, लाजवाब। जसप्रीत कहते हैं, जो भी मैच में विकेट्स लेता था मैं बेसिकली फॉलो करता था डोनाल्ड को, एंटनी को, ब्रेडली को, वसीम अकरम को वगैरह वगैरह, तो उस मैच में जो भी ज़्यादा विकेट्स लेता मैं उसकी एक्शन कॉपी करने की कोशिश करता, उनके यॉर्कर स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करता। शेन बॉन्ड भी काफ़ी फेमस थे अपने फास्ट बॉलिंग के लिए, न्यूजीलैंड के फेमस प्लेयर कहते हैं, लोग अक्सर जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग के ऊपर चर्चा करते हैं, बॉलिंग यानी उनके एक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। शेन बॉन्ड कहते हैं कि मैं समझता हूँ उनका बॉलिंग पर जो कंट्रोल है ना, उनको यहाँ तक लेके आया है, ना कि उनकी एक्शन। बेशक इस कंट्रोल को पाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, कमर तोड़ मेहनत की होंगी। दोस्तों हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस के सीरीज़ में, पिछला जो मेरा वीडियो सीरीज़ में, उसमें देख चुके हैं, और मेरा बुक जो है द विनिंग एज, उसमें भी मैंने बताया है डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या चीज़ है, कैसे एक स्पेसिफिक स्किल पर मास्टरी करना मुमकिन है डेलिब्रेट प्रैक्टिस से। और इसमें कोई दोहराए नहीं है दोस्तों कि जसप्रीत ने भी इस टूल का यूज़ किया होगा मास्टरी हासिल करने में, इतना ज़्यादा खुद पर कंट्रोल है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपको याद है तो बहुत ज़्यादा नो बॉल के लिए जसप्रीत फेमस हुए थे, इतने ज़्यादा नो बॉल डाल दिए कि जसप्रीत बॉलिंग करते थे तो डर लगता था कहीं नो बॉल ना डाल दे। इस बात से सीख लेके उन्होंने इस चीज़ पर इतना प्रैक्टिस किया, गलती सुधारी, डेलिब्रेट प्रैक्टिस किया, और रिजल्ट आज 2017 से लेके 20 तक मैं समझता हूँ 10 से ज़्यादा नो बॉल्स उनके खाते में नहीं है। क्या फोकस है? आखिर विनर्स चैंपियंस वही है जो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराते हैं। हम लोग ये सेम एग्जांपल विराट कोहली में भी देखते हैं, एक गलती होती है तो वो कभी दोहराते नहीं है उसको। यही दोस्तों खासियत है इन लोगों में जो उनको इस मुकाम तक रखती है। मुंबई इंडियंस में और एक बॉलर है जो अपने यॉर्कर के लिए काफ़ी फेमस है, नाम आप खुद बता दीजिए, लसित मलिंगा। मलिंगा कहते हैं, जब जसप्रीत और मैं पहली बार नेट्स में मिले मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान, तो मैंने जसप्रीत को कहा, चिंता मत करो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। मलिंगा बाद में कहते हैं, बुमराह को कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी सब जानते थे, वो मेरे से भी ज़्यादा क्रिकेट को जानते हैं।
बुमराह में एक बेहतरीन बॉलर बनने की आग हमेशा से थी दोस्तों। आज भी देख लो, कोई भी मैच हो वो सबसे फ्रंट लाइन पे लीड करते हैं, बॉलिंग करते हैं, लेकिन क्या एग्रेशन के साथ करते हैं। बुमराह कहते हैं, मैंने मलिंगा से ठंडा दिमाग रखना सीखा है। प्रेशर के सिचुएशन में पहले मैं कंट्रोल खो देता था, चिड़चिड़ करता था, और मैं प्रेशर आता था तो बैट्समैन को स्लेजिंग करता था, उसको भला बुरा कहता था ताकि उसको उकसाने की कोशिश करूं। मलिंगा से मैंने सीखा है कैसे इस परिस्थिति में अपना दिमाग ठंडा रखना है, कूल रखना है। कठिन प्रेशर में ठंडा दिमाग रखना ज्यादा फायदे वाला है, स्लेजिंग करना फायदे वाला नहीं है। जितना दिमाग ठंडा रखोगे, मलिंगा बताते हैं जसप्रीत को, जितना दिमाग ठंडा रखोगे उतना आपका दिमाग चलेगा। हाई प्रेशर गेम में बॉल से काम होता है बेटा, गुस्से से नहीं। जसप्रीत का सफर इतना आसान नहीं था दोस्तों जितना दिखता है, जितना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गुजरात टीम के लिए उनका दूसरा साल था और एक सीवियर इंजुरी में वो चले गए, टीम से बाहर हुए। थाई के पास वाला जो लिगामेंट है वो टूट गया, फट गया। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था और वो था सर्जरी। सर्जरी में रिकवरी को टाइम लगता है, 6 महीना लगता है, 8 महीना लगता है। आगे आईपीएल का एक बड़ा सीजन है, आगे एक बड़ी टूर्नामेंट है, क्या पता अगर रिकवरी नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पता नहीं कब ऐसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिले। यहाँ 18 साल का कोई भी दूसरा लड़का होता तो परिस्थिति को ब्लेम करता, टाइम को ब्लेम करता, हताश हो जाता, निराश हो जाता, लेकिन जसप्रीत कोई आम इंसान नहीं है। जसप्रीत सर्जरी के लिए गए और दोस्तों रिकवर होने में इतनी चाह थी अंदर से कि सर्जरी के बाद खुद मेहनत करके 3 महीने के अंदर वो रिकवर हुए और खेलने भी लगे। सिर्फ खेले नहीं, कॉम्पिटिटिव गेम खेले, ये वाकई अद्भुत है। डॉक्टर पार्डी वाला जो उनके डॉक्टर है वो भी जसप्रीत बुमराह के इस डेडिकेशन फोकस का जिक्र करते हैं, तारीफ करते हैं। वो बताते हैं कैसे सर्जरी के बाद लोग टाइम पर निर्भर हो जाते हैं। जसप्रीत टाइम पर निर्भर नहीं है, अपने एक्टिविटीज पर निर्भर है। क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा कहते हैं, इसके बाद बुम बुम बुमराह का पूरा खेल ही बदल गया। सेकेंड इंडियन वो बने, 100 विकेट्स लेने इतने तेजी से लिए, भारत के दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बुमराह बॉलर है। नेहरा जी कहते हैं, उम्र के साथ बॉलिंग की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन यहाँ इस एग्जांपल में पूरा अपोजिट है। बुमराह की एवरेज बॉलिंग स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बड़ी है दोस्तों पिछले कुछ सालों से। आज बुमराह की एवरेज बॉलिंग स्पीड है 142 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ तक वो पहुँच गए हैं। यहाँ एक बात समझनी होगी आपको, आपके पसंदीदा काम को अगर पूरे दिल से करोगे ना तो सक्सेस मिलना ही मिलना है आपको। अगर फोकस मिसिंग है ना तो आपके इंटरेस्ट के काम भी आपको बोरिंग लगने लगेंगे, वो ड्राइव मिसिंग लगेगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी। यहाँ पे आपको बुमराह के एग्जांपल से, जसप्रीत के एग्जांपल से आपको समझना होगा कि कितना डेडिकेशन फोकस अगर हम अपने काम में भी लगाए तो हम लोग भी हमारे फील्ड के जसप्रीत बुमराह बन सकते हैं। मैं फिर से वो चीज भगवत गीता में जो मेंशन है वो दोहराना चाहूंगा, दुखेस्व अनुद्विग्न मनहा सुखेसु विगत प्रहा वीतारागा भय कुरोदा स्थित धीर मुनिर उच्चते। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही लेसन्स फ्रॉम लीजेंस मैं लाता रहूंगा, नए नए टॉपिक्स लाता रहूंगा। मेरे साथ जुड़िए, मेरा साथ दीजिए। मेरा मिशन है भारत को एक मजबूत भारत बनाना है, एक सशक्त भारत बनाना है। इस मिशन में मेरा साथ दीजिए। आप सब लोगों का प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके, नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।